फीस तो सर ना आपकी फीस कोई ज्यादा फीस नहीं है पहली बात, और एक दो कॉल, एक कॉल के अंदर निकल आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने खुद निकाली हुई है, बहुत बार निकाली हुई है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लोगों को लगता है ऐसा कि ये ज्यादा है कि 2000 में हम सीख लेंगे, फिर 2000 में सिर्फ वो 2000 वाली नॉलेज आती है, उसमें 20,000 का SL भी लगता है। बस सिंपली वही है, सस्ता रोवे बार बार महंगा रोता है एक बार, और ये तो बहुत महंगा भी नहीं है, बट कोई नहीं, मुझे सिर्फ अभी उन पे फोकस करना होता है जो लोग रियली में इंटरेस्टेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों ने सीखा या सीखना चाहते हैं या आगे सीखेंगे, अभी हमारा कंप्लीट उन्हीं लोगों पे फोकस रहता है कि उनको बस किसी भी एंगल से उनको खाली हाथ नहीं भेजना, उनको ले कर भेजना। जी बताइए। संतोष बोल रहा हूँ। जी संतोष जी बोलिए। सर क्या होता है कि मैं तो जॉब करता हूँ, मैं डेली देखता हूँ, अगर शिफ्ट में रहता हूँ तो डेली देखता हूँ, लेकिन ट्रेन नहीं कर पाता, लेकिन मेरे को गुरुवार को मिलता है टाइम, गुरुवार शिफ्ट की वजह से मिलता है, कभी कभी गुरुवार को भी नहीं मिलता, लेकिन मैं गुरुवार को ट्रेड करता हूँ एक्सपायर की वजह से, तो इस क्लास में से मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंटली मैं ट्रेड ले पाऊंगा कि हाँ कि अभी लेना है कि नहीं, ऐसा पूरा आइडिया आ गया कि कब लेना है एक्सपायर पर ट्रेड को। और स्टॉक का तो आप बढ़िया है, वो सिप्ला का कैच किया था मैंने, लेकिन लेट हुआ, और ये आपके सारे क्लास अटेंड किए पहले से, और बहुत अच्छा लगता है ये भी का क्लासेस, अच्छा है सर। क्लास पे सर मैं भी कुछ कहने वाला था, एक लेवल था सर 950 का, बहुत पहले दिया गया था, हमें लग रहा सर 1 month के पहले ब्रेकआउट हुआ था, एक बार सस्टेन नहीं किया था 950 पे। सर मैंने कैश बाय किया था क्योंकि ज्यादा फंड मेरे पास था नहीं, मैं ऑप्शन में लगा रखा था, तो मैंने इसको बाय किया था 950 के ऊपर, और पूरे दिन के लिए मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ था, मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया था, और समथिंग 3,000 या 4,000 रुपए के आसपास आ गया था सर उसमें। ये सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, ये क्लास जो हुई है हम लोगों का, जो बैच पिछला निकला हुआ है पिछले हफ्ते का, इस क्लास करने के बाद इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस लेवल जो है सर बहुत ऊपर आ गया सर। इससे पहले डर बहुत लगता था कि क्योंकि लॉसेस भी बड़े हुए हैं, हमने आपको स्नैपशॉट भी दिया हुआ है शायद, 1-1 लाख का लॉस मैंने एक दिन में किया हुआ है, वो कॉन्फिडेंस की वजह से ही होता था, कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि हाँ मेरा प्रॉफिट होगा, इसको जाना ही है ऊपर या नीचे। लेकिन इस क्लास के बाद सर मतलब अमेजिंग अमेजिंग टाइप का, मतलब अंदर से जो एक होता है ब्लीप, जो बीपी ऊपर नीचे होता था ट्रेड लेने के बाद, उस पर काफी कंट्रोल हुआ है सर। और दूसरी चीज ये है कि जो स्टॉक ऑप्शन में शायद ही हम लोग ट्रेड ले पाए, मैं तो खुद अपनी बात बता रहा हूँ सर, शायद ही ट्रेड ले पा रहा था स्टॉक, कैश में तो ले लेता था 1-2-3 कभी कभी मिल जाते थे, ऑप्शन में सर ट्रेड कभी पकड़ ही नहीं पाया था मैं, स्टॉक ऑप्शन में कभी भी नहीं पकड़ पाया था ट्रेड। लेकिन इस क्लास करने के बाद मैंने प्रॉफिट भी किया लॉस भी किया, ओवरऑल अभी ठीक ठाक चल रहा है सर। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन का जो अमेजिंग टाइप का जो फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, एक दिन सर बड़ा प्रॉफिट का स्नैपशॉट मैं आपके पास भेजूंगा, बहुत बड़ा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल मिलेगा मुझे, अगर ठीक ठाक ट्रेड किसी दिन मिल गया एंट्री सर। ये क्लास अगर अगस्त सितंबर में हुई होती सर तो बहुत मजा आता कसम से सर, जो बाउंस बैक आ रहा था उस समय, जो कॉन्फिडेंस था रहता था, शाम के टाइम पता चला एक्सपायरी वाले दिन वो अपने हाई को जो क्रिएट करता था, उस दिन उस समय जब कॉल वाले भागते थे मैदान छोड़ के, गजब का मोमेंट होता था सर, 2-2, 3-3 सौ पॉइंट विद इन 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के ऊपर जाता था ब्रेकआउट जब होता था, तो ये क्लास शायद पहली हुई होती तो आज काफी पैसा कमा चुके होते सर। ये अक्टूबर में सर कई बार हुआ है, अक्टूबर की एक्सपायरी में हमें लग रहा है 2 या 3 एक्सपायरी को ऐसा हुआ था सर कि पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में रहा है, और शाम को जब निकला है, अब ये चीज सर आपने बताया हुआ है कि कॉल वाले भाग रहे हैं, पुट वाले भाग रहे हैं, हमें साइड बाय लेना है, अगर ये उस समय हम लोगों को जानकारी होती तो मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ सर कि करोड़ों कमा गया होता मैं अब तक, यहाँ से प्रॉफिट भी होता है, बिलीव करोगे। कुछ लोग ऐसे जैसे है ना कि उनको बोलोगे कि भैया यहाँ से अर्निंग होती है,
बोलेंगे यहाँ से अर्निंग कैसे होती है, हमको समझ नहीं आया। जी सर, हो सकता है सर, बहुत लोग होते हैं सर, मैं खुद बहुत लॉस करता था पहले, अब लॉसेस बहुत कम हो गए हैं। कभी कभी होता है गलत एंट्री की वजह से भले लॉस ले लें हम, या एग्जिट नहीं कर पाए टाइमली, तब लॉस होता है। बाकी जो कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने अगर एंट्री यहाँ पे लिया है क्लास ज्वाइन करने के बाद, खास करके ये वाली क्लास जो पिछली क्लास थी सर, उसमें कुछ अच्छा अनुभव रहा, कुछ बुरा भी रहा, ठीक ठाक रहा, चल रहा था, लेकिन जो ये क्लास हमने लिया है इस क्लास के बाद, जो कॉन्फिडेंस लेवल है सर वो बहुत ऊपर आ गया है। चलिए, तो हमारा जो मेहनत है वो साकार हो रहा है, और उम्मीद करेंगे कि जो बाकी जो स्टूडेंट है हमारे, स्पेशली जो ओल्ड वाले हैं, उनको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि कुछ लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मार्केट भी अपग्रेड हो गया है थोड़ा सा, देखेंगे तो लास्ट मोमेंट से मार्केट का जो चलने का जो वे है, देख ही रहे आप लोग कैसे चेंज हुआ है, इसीलिए हमने इस क्लास को भी अपग्रेड करके एंड लॉन्च किया था, ओल्ड स्टूडेंट को बेसिकली नजर रखते हुए, ताकि उनको अच्छी खासी गाइडलाइन मिले। तो उम्मीद है कि कई लोगों को इससे मैसेज अच्छा खासा जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरे को तो इसमें मैं भी थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। सर मेरे को तो दो चीजों का सबसे बड़ा फायदा हुआ। एक तो आपकी ये 3 मिनट, पहले मैंने आपकी 5 मिनट वाली क्लास ली हुई थी, ठीक है सर, इसके बाद मैंने ये 3 मिनट वाली ली। 3 मिनट में मुझे सबसे पहले ये स्कैनर मिल गया ना, मैं आपसे बात करता भी था, मेरे को यही समझ में नहीं आता था ये स्कैनर वर्क कैसे करता है, जो मुझे पता चल गया जो आपके हिसाब से। और मैंने इसमें ये जो स्कैनर मिला है, मतलब लिबरल है कि मुझे कहीं कुछ नहीं करना है, सिंपल स्कैनर पर देखना है, मिल गया मुझे स्टॉक मिल गया, इसमें देखना है किसमें मूवमेंट हो रही है, बस इतना ही देखना है। मैं बताऊं होता क्या था कि सर ने ना, अभिषेक सर ने ना कुछ दिन पे, जब ये स्कैनर इन्होंने बताया था ना, इसके बाद क्लास चालू की 10 से 15 दिन बाद, और सर एक डेली एक स्नैपशॉट डाल देते थे कि आज भाई 4 स्टॉक हैं। मैं उस 4 स्टॉक में 9:15 पर देखता था, यार ये तो भाग गया, पहली 5 मिनट की, मैं 5 मिनट की कैंडल खुलता था, 3 मिनट की नहीं खुलता था। अब मैं कहता यार कहाँ एंट्री पाऊं, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो भाग गया। फिर मैं पूछता था इनसे, सर बोले थे क्लास के बाद मेरे को समझ में आ गया ये रॉकेट बना कैसे, क्योंकि मैं बता नहीं सकता था, बताता तो सकता था कि नहीं सर, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं डेली उस आपके जो 3 स्टॉक आते थे ना, 3 से 4 स्टॉक आते थे, मैं डेली उसमें बैठता था, फिर मैं ये सोचता था कि कुछ तो लूज होगा, मैंने कुछ ना कुछ करते हैं, हम प्रैक्टिस ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे को सच बताऊं बिल्कुल समझ में नहीं आया था, अब मुझे ये समझ में आ गया था। मेरा तो बेसिकली मेन फंडा ही इसी पे था कि मैं स्कैनर समझूं, क्योंकि जो आपकी 3 मिनट की क्लास थी इसी पे मेरा सारा कंसर्न हो गया था। बैंक निफ्टी में तो टच बोर्ड आपकी दुआ से सर, आपको पता ही है मैं सेल ही करता हूँ ज्यादातर, और पिछले 3 महीने से मैं केवल सेल ही करता हूँ, कॉल सेल या पुट सेल, मैं बाइंग में ध्यान नहीं देता, मैं बाइंग में मेरी समझ में भी नहीं आता बाइंग, क्योंकि वो तो एक मूवमेंट होता है 2 या 3 मिनट का, 2 या 3 मिनट का मूवमेंट होता है सर वो। हाँ सर, तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। धर्म जी आप सेल करते हैं, एक दिन बिलीव नहीं करेंगे, आपका पैसा मैं ही लूंगा, मैं बायर हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, मैं कॉल और पुट को ना सेल ही करता हूँ ज्यादातर, जैसे कि अगर बाय मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं पुट को सेल कर दूंगा, अगर मैं भी आपकी ट्रेंड में ही चल रहा हूँ, लेकिन मैं उल्टा चल रहा हूँ, लेकिन हमारी एक ही है। जी जी चलो, तो है लेकिन आपको आपको पता नहीं किसे सेलिंग में समझ में आता है, मुझे बाइंग में ज्यादा प्रॉफिट लगता है, क्योंकि प्रीमियम तो मैं अगर 100 रुपए पे अगर बाय कर रहा हूँ तो वो 200, 300, 400, 500 तक भी जा सकती है, आपको तो 100 का ही प्रीमियम मिलेगा ना। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, 100 आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मेरा अनलिमिटेड लॉस भी है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये है कि वहां पे ना थोड़ा सा मैं, जैसे गुरुजी का ज्ञान है ना, मैं वहां पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलता हूँ। जैसे आप जो कह रहे हो ना कि रॉकेट हो जाती है, 200-300 पॉइंट चली जाती है 10 रुपए की कॉल, फिर वो 5 सेकंड नहीं लगते, नीचे आके 25 पैसे भी हो जाती है, मैं उस 25 पैसे का वेट करता हूँ, वो बस वहां से 90 से टूटे और सीधे 5 पे आ जाए, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ जब आप लेके जाओ वहां तक, मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ, लेके तो जाओ वहां पर जाके 200 पे 500 पे, मैं तो कह रहा हूँ 10 रुपए की आप 1000 रुपए लेके जाओ, आप 2 करोड़ कमाओ, बस मैं वो 1000 रुपए वेट करता हूँ, वहीं मिलूंगा मैं आपको। चलिए मैं आपके लिए बैठा रहूंगा, जहां पे आप पहुंचेंगे खाने के लिए मैं वहां एग्जिट कर जाऊंगा। अब बस आपका भी उधर से पैसा बन गया, हम दोनों भाई भाई हैं, आप इधर से बना लो, मैं इधर से बना लूं। जी आपको ये पता चला, बहुत अच्छा लगा ये सेलिंग का जो धर्म जी के अंदर जो कीड़ा है कहाँ से आया, पता चला इतनी बात से?
ये सर आप सही आए। ये मैंने अब मैं कभी बाय में नहीं आता, मेरे को पता भी नहीं कि ऑप्शन बाय कैसे करते। तो आई थिंक मैं उसमें भी भूल गया हूँ कि अपने जितने भी ये अकाउंट ओपन किए हुए हमने उसमें कैसे बाय करते हैं। बस मेरा तो दबता ही सेल है, बहुत मुश्किल से हेज करना होगा तब मेरा बाई में जाता है, नहीं तो कोई नहीं। या तो मैं एफएनओ में क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे अभी 3 मिनट की कैंडल लगती है तो मैं फ्यूचर बाय कर लेता हूँ या फ्यूचर सेल कर लेता हूँ, अपना दिखता है 4-5 पॉइंट या 5-10 पॉइंट कट्टू कट पे लेके बैठ के और निकल जाता हूँ। ये क्लास सर मैं ये कहने वाला था कि ये क्लास मेरे को इसलिए जबरदस्त लगी कि मेरा एक तो 3 मिनट वाला स्कैनर जो कि मैंने अभी पेपर वर्क पूरा कर लिया है, 2-3 ट्रेडें भी ले ली है, अब मेरा पूरा फाइनल टच हो गया है। कभी कभी तो मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब सुस्त हो गया है, स्कैनर चल नहीं रहा है क्योंकि 2 दिन इसने ट्रेड नहीं दी, तो मैं सोचा मेरे कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको रिफ्रेश मंगलवार बुधवार तो नहीं दिया मैं क्या करूं, रिफ्रेश करूं, कुछ गड़बड़ हो गया। मैं कह रहे कैसे कैसे हो जाएगा, अभी तो मैं पूरे पैसे कमा रहे नहीं, हाँ वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। हाँ सही बात है, पर बहुत अच्छा सर, ये तो मेरे को बड़ा जज किया। और बैंक निफ्टी में सर ये है कि आपकी जो फायरवर्क वाला जो है कि ऑप्शन में जाना ऊपर लेके आना, वो तो मैं सर आपके थ्रू ही करता हूँ, मुझे पता भी है कैसे करना है। अगर लॉस भी हो रहा होगा तो दूसरी तरफ की कॉल सेल मार देता हूँ, मतलब मैं चाहे 200 रुपये मेरे को लेके जाए जिम में, लेकिन वो ग्रीन ही होते हैं बाकी नहीं होगा, मेरा 40 रुपये उसको भी नहीं देने अकाउंट ये सेलर का फायदा है। सर जी, सेलर सेलर ऐसे फायदे में रहते हैं सर, लेकिन प्रयास मेरा भी चल रहा है, मैं बायर ही हूँ, बायर ही रहूंगा सर, क्योंकि बाइंग में मुझे बहुत मजा आता है। बिल्कुल मैं हाँ बिल्कुल सही बात है सर जी। मैं आप सर जी, मैं आपके साथ बैठूंगा, मुझे थोड़ा आप नंबर देना अपना, क्योंकि मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे कैसे करते हैं। ओके सर बिल्कुल। उसमें है सर, आप बैच में हैं, आप ग्रुप है व्हाट्सएप में, एपी का बैच जो हाँ है। जी हाँ जी, एपी वाले बैच में है, एपी वाले बैच में हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी नंबर निकाल के आपको देते हैं सर। हाँ अभिषेक सर कुछ कह रहे थे सर, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि शरद जी आपको भी सेलिंग में लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिए, हमारा टारगेट यही है, जितने भी एपी के स्टूडेंट है ना, कुछ समय बाद सबको मुझे सेलिंग में लाके बैठा देना है, ऑप्शन सेलिंग में, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ सर, शरद जी आप मेरा विश्वास करो, ये जो सर कह रहे हैं ना इसकी इनकी गोल्डन लाइन है। आपको जो 2 रुपए की चीज या 50 रुपए की चीज आप कह रहे हो मैं बाइंग लेके जाता हूँ और 100 रुपए बैठा देता हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा खुशी, ये तो कुछ भी खुशी नहीं है। जिस दिन आप सेलिंग कर लोगे ना उस दिन जो खुशी मिलेगी ना, आप सोचते रह जाओगे भाई साहब। आपको देखो मेरा हफ्ते में क्या है सर, मैं आपको फंडा क्लियर है, आपको पता है सर कि मेरा कितना फंड चलता है और मैं कितना उसमें ले लेता हूँ। मेरा ये है कि मेरे को 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में निकालने निकालने हैं, 300 तो मिनिमम मैंने लेके जाना है घर पे, और 300 में मेरा अच्छा खासा लॉट साइज चला जाता है सेलिंग में, हेज कर यस सर। लेके या कुछ ये करके कुछ पर डे कर लेता हूँ। पर डे का करते हैं, पर डे करते हैं या वीकली? नहीं वीकली में मेरा 300-400 पॉइंट आराम से निकल जाते हैं, जैसे कि मैंने फ्राइडे को करीबन 150 तो 200 पॉइंट निकाल लिए, बाकी मेरा 200-250 और बचते हैं वो अभी तक खींच लूंगा यस सर। सर। वो तो कुछ नहीं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैंने निफ्टी में ना कभी 100 पॉइंट ही नहीं लिए, सच बता रहा हूँ। मेरे को 2.5 साल 3 साल से 4 साल हो गए, मैं 100 पॉइंट कभी लिए ही नहीं थे, मेरे को समझ में नहीं आता साला निफ्टी 100 पॉइंट देते कैसे किसी को, अब मुझे पता चला कि देती कैसे। लेकिन अभी भी मैं बताऊं मेरा उल्टे से मिले, मेरे को कभी बाइंग साइड से नहीं मिले। अब जैसे सर का जो अभी मैं आपको बताता हूँ, सर ने मंडे को एक बोला था कि टॉप पे फोक देना सेल ऑन राइज, तो आई थिंक सर आपको याद होगा 38,000 पे बैंक निफ्टी गई थी, 37,750 के आसपास आपने बोला भी था कि भाई आज सेल लेवल बहुत अच्छा है। मैंने सर पहली तीन, अभी भी आप चार्ट खोल सकते हैं बैंक निफ्टी की, वो 3 मिनट की कैंडल थी वहां पे, वो बहुत तगड़ी कैंडल थी ऊपर से लेके नीचे मोटी थी, मैंने दो कैंडल साली और वेट किया वहां पर जाके ठोक दिया, मैंने सीधा ठोका था और आंख बंद करके बैठ गया था। मेरा जो एसएल था मेरा 1,800 रुपए का नुकसान होना था, अगर होता तो 1,800 रुपए का नुकसान नहीं तो 25,000 रुपए मेरी जेब में थे, 28,000 आई थिंक, मैंने आपको स्नैपशॉट भी भेजा था वो। यस यस, सेलिंग का मजा कुछ और है। शरद जी आपको भी इस पे आना है, शिफ्ट होना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइफ